मोदी सरकार में लड़कियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। दरअसल भारत में लड़कियों की शादी की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास कर दिया है। एक तरफ जहां इस फैसले की जमकर तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसको भी मुद्दा बना रहा है, अपनी बात सही और मोदी सरकार के इस फैसले को गलत साबित करने के लिए ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद हर कोई शर्मसार हो जाए। महिलाओं को लेकर घटिया से घटिया बयान देने की होड़ सी मची हुई है। सपा सांसद और राजनीति में बेहद अनुभवी माने जाने वाले शफीकुर रहमान का बयान तो हमने आपको बताया ही था, जिसमें जनाब साफ कह रहे थे कि अगर शादी की उम्र बढ़ती है तो इससे लड़कियां और ज्यादा आवारगी करेंगी। फिर इसी कड़ी में एसटी हसन भी बोल गए कि ये कदम गलत है, इससे एडल्ट और गंदी फिल्में ज्यादा देखी जाएंगी। और लीजिए, अब इस बेहूदगी दिखाने वालों में एक और नाम जुड़ गया है। ये नाम है अबू आजमी का। समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता अबू आजमी ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि सारी हदें पार हो गई। वांटेड एक्ट्रेस आयशा टाकिया के ससुर अबू आजमी ने कहा, अगर शादी में देरी होती है और ऐसे में लड़का या लड़की कोई गुनाह करते हैं तो इसका पाप माँ बाप को मिलेगा। मेरे संस्कार कहते हैं कि अकेली बेटी के साथ कभी मत रहो, शैतान कभी भी सवार हो सकता है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए अबू आजमी ने कहा, जैसे ही बच्ची हमारी बड़ी हो जाती है, बालिग हो जाती है, यानी शादी के काबिल हो जाती है, लड़का हो या लड़की, उसकी तुरंत शादी करा दो। अगर शादी नहीं मिलती है तो इंतजार करो तब तक, लेकिन जैसे ही उसकी शादी, उसका जोड़ा कहीं मिल जाता है तो उसकी शादी किन्हीं और कारणों से लेट करोगे और उस लड़की या लड़के ने गुनाह किया या किसी और के संपर्क में आकर कोई ऐसी एक्टिविटी की जिससे पाप हो सकता है, तो उसका पूरा पाप माँ बाप को मिलेगा। उन्होंने बहुत देर की शादी करने के लिए, इसलिए जब बेटी या मेरी बहन घर में अकेली है तो भी मेरे संस्कार मुझे बताते हैं कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी भी सवार हो सकता है। ये हैं सपा के नेता अबू आजमी, जो कह रहे हैं कि अकेली बेटी के साथ कभी भी मत रहो, शैतान सवार हो सकता है। आप अबू आजमी की इस सोच पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।